everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing good. So guys, I'm back with another new launch from Manish Malhotra, My Glam X Manish Malhotra. And in today's video, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मनीष मल्होत्रा के न्यूली लॉन्च कंसीलर्स जो कि कुछ इस तरह से दिखते हैं. सो यस गाइज, आज की वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन होने वाली है अबाउट दिस कंसीलर्स. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. ओके गाइज, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द आउटर पैकेजिंग. सो आउटर पैकेजिंग इज लाइक दिस. जैसी स्टैंडर्ड माई ग्लैम मनीष मल्होत्रा की पैकेजिंग आती है, ब्लैक एंड गोल्डन, वैसी है. काफी क्लासी भी लगती है ये पैकेजिंग. इफ यू टॉक अबाउट द प्राइस, सो द प्राइस ऑफ कंसीलर इज 850 rupees एंड यू गेट 3 years ऑफ शेल्फ लाइफ और आपको 7 grams की इसमें क्वांटिटी मिल जाती है. This is paraben free, mineral oil free, silicon free and it is also cruelty free and vegan. So yeah, ये तो बात हो गई outer packaging की. अब हम inner packaging की बात कर लें. So inner packaging कुछ इस type से है. काफ़ी अच्छी packaging है, लक्स packaging है. और जो inner packaging है उस पर सब कुछ mention है, like shade, quantity, expiry date. So that's a great thing because if you get rid of the outer packaging, तो inner packaging पर सब कुछ mention होना चाहिए. ओके, अब हम बात कर लेते हैं इसकी वॉन्ड की. सो वॉन्ड इसका कुछ इस तरीके से है जो कि ठीक ठाक है. लाइक 2 foot एप्लीकेटर है इसका. सो या काफ़ी अच्छा खासा प्रोडक्ट पिकअप कर लेता है. सो वॉन्ड वगैरह अच्छा है, एप्लीकेटर अच्छा है, पैकेजिंग अच्छी है. अब गाइज हम देख लेते हैं पहले इसका एप्लीकेशन, देन वील टॉक मोर अबाउट दिस. ओके गाइज, सो एज आई सेड, आई हैव 4 shades फ्रॉम दिस रेंज. और इसमें से जो मुझे लगता है शेड्स, वैसे तो चारों ही सही है मेरे स्किन टोन के हिसाब से, बट आई थिंक आई विल यूज दिस और मे बी दिस. सो दिस इज वॉर्म ओट एंड दिस वन इज कूल पाई हैंड. तो आई थिंक मुझे वॉर्म शेड ही यूज करना चाहिए. सो आई यूज दिस वॉर्म ओट शेड. एंड बाय द वे गाइस, अभी मैंने जस्ट मनीष मल्होत्रा के कुछ न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट्स यूज करके ही अपना बेस क्रिएट करा है, लाइक देयर प्राइमर, देयर फाउंडेशन एंड दिस ब्राउ डिफाइनर. सो इन सब का वीडियो भी आ गया होगा या आने वाला होगा, सो स्टे ट्यून्ड. नाउ लेट्स सी हाउ दिस कंसीलर इज. I hope that this gives a good coverage because I like my concealers full coverage. Okay, let's blend it. Guys, what I'm noticing is कि ये है ना थोड़ा जल्दी सेट हो रहा है on its own. So you need to be very quick while blending it. And I don't know whether shade मुझ पर जा रहा है कि नहीं जा रहा, पूरा blend करने के बाद ही समझ आएगा. ओके, आई थिंक इट्स स्प्लेंडेड वेल. और ये मेरे लिए थोड़ा हाइलाइटिंग कंसीलर की तरह वर्क कर रहा है अभी, बिकॉज जो मैंने फाउंडेशन यूज करा है वो थोड़ा सा डार्क है मेरी स्किन टोन से, इसलिए ये कुछ ऐसा लग रहा है. आई शुड यूज दिस वन एज वेल, वॉर्म वन. कवरेज तो मुझे इसकी ठीक ठाक लग रही है, लाइक अभी तो एज ऑफ नाउ इट्स गिविंग मी गुड कवरेज. नाउ आई एम यूजिंग द शेड वॉर्म फॉन, बट बिल्डेबल कवरेज है यार, मतलब यू कैन बिल्ड इट. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक नाउ एंड आई थिंक इट हैज गिवन मी अ डिसेंट अ गुड कवरेज. आई रियली लाइक द कवरेज और मुझे फॉर्मुलेशन भी अच्छा लगा. द ओनली थिंग इज दैट इट सेट्स वेरी फास्ट, तो आपको फटाफट इसको ब्लेंड करना होगा. एंड यस गाइज, बाकी का रिव्यू मैं देती हूँ आपसे फुल मेकअप करने के बाद. ओके गाइज, आई होप आपने एप्लीकेशन देख लिया होगा. सो ये जो पर्टिकुलर कंसीलर्स हैं इसमें आपको 6 shades अवेलेबल मिल जाते हैं, विच आई थिंक इज वेरी लेस बिकॉज इंडियन स्किन टोन इतनी डाइवर्स है, तो 6 shades बहुत ही कम है. और उस पर से भी 4 shades मेरे पास हैं, आप देख सकते हैं ये 4 shades मेरे पास हैं. और ये जो 4 shades हैं वो हैं वॉर्म फॉन, वॉर्म ओट, वॉर्म पोर्सलेन एंड कूल पाई हंट. सो आप देख सकते हो मेरे पास एक कूल शेड है और बाकी के 3 जो है वो वॉर्म शेड्स हैं, बट आप देख सकते हो कितने ज़्यादा लाइट हैं. तो अगर 6 में से 4 shades इतने लाइट हैं, सो मतलब डार्कर, जो डार्क और डीप डस्की स्किन टोन्स हैं उनके लिए आई डोंट थिंक सो इनके पास कोई कंसीलर का शेड प्रॉपर अवेलेबल है, बिकॉज शेड रेंज कम है और उसमें से भी 4 shades तो इतने ज़्यादा फेयर स्किन टोन के हिसाब से हैं, देख सकते हो आप. मैंने जो 4 shades चूज करे वो अपने स्किन टोन के हिसाब से ही करे हैं और इसमें से मुझे ऐसा लगता है कि जो शेड है कूल पाई हंट, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लाइट है और बहुत ही कूल टोन शेड है, तो ये तो मेरे ऊपर नहीं जाने वाला, बहुत ही वाइट लगने वाला है. और जो 2nd shade मेरे पास वॉर्म पोर्सलेन है, ये भी मैंने यूज़ नहीं करा बिकॉज ये भी अगेन बहुत ही ज़्यादा वाइट लग रहा है मेरे स्किन टोन के हिसाब से. अब जो 2 shades मुझे मेरे स्किन टोन के हिसाब से सही लगे वो है वॉर्म फॉन एंड वॉर्म ओट. एंड
यस, ये शेड्स मेरी स्किन पे अच्छे से गए हैं, आपने देखा ही एप्लीकेशन के टाइम पे ये थोड़े से हाइलाइटिंग कंसीलर लग रहे थे, बिकॉज जो मैंने फाउंडेशन यूज़ करा था वो मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क था, दैट्स वाई, अदरवाइज दीज आर अ परफेक्ट मैच फॉर मी। एंड बाय द वे फाउंडेशन का भी मैंने रिव्यू करा हुआ है, सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट एज वेल, क्योंकि जो फाउंडेशन मैंने लगाया था वो भी मनीष मल्होत्रा का न्यूली लॉन्च फाउंडेशन था दिस वन, सो या मैं लिंक कर दूंगी नीचे फाउंडेशन का रिव्यू। कमिंग बैक टू द कंसीलर्स, सो प्राइस जैसा कि मैंने आपको इसको बताया 850 rupees है फॉर 7 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट, सो थोड़ा सा प्राइस ज्यादा है, बट माइंडग्लैम पे हमेशा ही कुछ ना कुछ ऑफर चलता रहता है, तो उसकी चिंता करने की तो आपको बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। एंड इस कंसीलर की बाइंग लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट। सो शेड रेंज से तो गाइज मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। अब हम बात कर लेते हैं ब्लेंडेबिलिटी की, सो इसको लगाने के बाद ये इजी टू ब्लेंड लगा मुझे, काफी अच्छे से ब्लेंड हो गया, बट एक चीज जो मैंने नोटिस करी इज कि ये काफी जल्दी सेट भी हो रहा था, सो यू हैव टू बी रियली क्विक वेल ब्लेंडिंग दिस, अदरवाइज बहुत ही पैची लगेगा और अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। अगर आप जल्दी ब्लेंड नहीं करोगे सो इट विल बिकम मोर हार्ड टू ब्लेंड एंड काफी पैची लगेगा, सो मेक श्योर यू ब्लेंड इट रियली फास्ट, और ये बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है। एक सेल्फ सेटिंग कंसीलर है, तो अगर आप इसे पाउडर से सेट नहीं भी करते तो भी चलेगा, बट अंडर आइज में जब लगाओ तो डेफिनेटली पाउडर से सेट कर लेना, बिकॉज अंडर आइज में क्रीजिंग होती ही होती है, बट अदरवाइज अगर आप कहीं और अपने फेस पे यूज कर रहे हो और अगर आप पाउडर यूज करना नहीं चाहते हो देन यू कैन स्किप इट, बिकॉज दिस इज सेल्फ सेटिंग कंसीलर और क्रीज प्रूफ भी है, स्पेशली इफ यू हैव ड्राई स्किन, ऑयली स्किन वालों को तो सेट करना ही पड़ता है, बट जो ड्राई स्किन पीपल है दे अवॉइड सेटिंग बिकॉज और भी ज्यादा उससे ड्राई हो जाती है स्किन, सो यस यू कैन टोटली स्किप इट। एज इट इज सेल्फ सेटिंग कंसीलर तो जो इसकी फिनिश है वो भी काफी ज्यादा मैट है, और जो मुझे इसकी कवरेज लगी ना वो मीडियम टू हाई कवरेज लगी, क्योंकि जैसा कि आपने एप्लीकेशन में देख ही लिया होगा कि फर्स्ट जब मैंने लगाया तो मुझे मीडियम कवरेज मिली थी, और जब मैंने सेकंड शेड लगाया तो मुझे फुल कवरेज टाइप की मिल गई थी, सो इट इज़ डेफिनेटली ब्लेंडेबल, सो मीडियम टू हाई कवरेज है इसकी। थोड़ा सा इसका फॉर्मुलेशन दिखा देती हूँ, ये वाला मैंने शेड अभी लिया है वॉर्म ओट, और ये मेरे काफ़ी अच्छे से गया है मेरे स्किन टोन पे, सो दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक, आई डोंट थिंक सो विजिबल है बिकॉज काफ़ी अच्छे से सूट हो गया ये, एंड यस थिक फॉर्मूला है, थिक क्रीमी फॉर्मूला है इसका। अब हम देख लेते हैं कि व्हाट दे आर सेइंग अबाउट दिस, सो दे आर सेइंग दिस इज अ लग्जूरियस लूमी मैट स्किन ब्लरिंग कंसीलर इन अ लाइट वेट सुपर ब्लेंडेबल फॉर्मूला, सो यस आई अग्री टू इट दैट इट इज लाइट वेट, इट इज वेरी वेरी लाइट वेट, इवन जो फाउंडेशन भी मैंने लगाया ना वो भी बहुत लाइट वेट लगा मुझे, बिल्कुल भी हैवी नहीं लग रहा है, और कंसीलर भी काफ़ी लाइट वेट है। ब्लेंडेबल फॉर्मूला है, येस इट इज, जैसे कि मैंने बताया काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, दैट स्वेट ह्यूमिडिटी एंड वाटर रेजिस्टेंट फॉर लॉन्ग वेयर एंड दे आर सेइंग दैट दिस इज क्रीज प्रूफ और फुल कवरेज दे देता है, तो वो भी मैंने आपको बताई दिया है। सो ओवरऑल गाइज मुझे ये कंसीलर्स अच्छे लगे, लाइक ठीक ठीक लगे, बहुत ज़्यादा बुरे भी नहीं है और बहुत मतलब समथिंग वाओ भी नहीं है, बट मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि एटलीस्ट मेरे स्किन शेड को मैच करते हुए मुझे कंसीलर मिल गया, सो दैट्स ग्रेट, बट जो डार्क स्किन टोन्स हैं उनके लिए दिस इज गोइंग टू बी अ बमर, तो उस हिसाब से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज सिर्फ 6 shades अवेलेबल हैं तो वो चीज़ अच्छी नहीं है, एंड बाकी सब कुछ तो मुझे इसका अच्छा लगा। सो यस गाइज दैट वॉज माई ऑनेस्ट एंड जेन्यून रिव्यू ऑन दीज कंसीलर्स फ्रॉम माई ग्लैम एक्स मनीष मल्होत्रा। आई होप कि आपके लिए रिव्यू वीडियो हेल्पफुल रहा हो, अगर रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू।